बाली उम्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं कि इस उम्र में लोगों को उतनी समझ नहीं होती जितनी उन्हें होनी चाहिए। इस उम्र में वो कैसे भी काम कर सकते हैं, कैसे भी कांड कर सकते हैं। और ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आदित्य राय कपूर उस चीज से रिलेटेड खाते हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का एक तमाचा मारने वाले लोगों के लिए सीधा सा और सिंपल सा और सबसे बड़ा उदाहरण है आदित्य राय कपूर। बॉलीवुड के सबसे स्टारिंग और मोस्ट हैंडसम एक्टर आदित्य राय कपूर की एक मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी जिसका नाम था गुमराह। उसका टीजर रिलीज किया गया और आज ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मूवी देखने के बाद में तुम्हें पता नहीं क्या चीजें देखने को मिलेगी। जो ट्रेलर में देखने को मिली है वो कम्प्लीटली रिमेक शब्द की वाइब आ रही है। अब इस ट्रेलर में हमें दो ऐसे लड़के देखने को मिले जिनकी शक्ल एक है और ऐसी मैंने पहले भी तीन मूवीज देख ली। ट्रेलर की बात करो, ट्रेलर में वो बड़ी चीजें देखने को मिली है कि जो कि किसी भी बड़ी मूवी को फ्लॉप करा सकती है। अगर मूवी की बात करोगे तो मूवी के लिए आप ये कह सकते हो कि तीन से चार बड़ी मूवी को मिलाकर ये एक मूवी बनाई गई है। आधे सीन तो मलंग से उठा लिए, आधे हॉलीवुड से उठा लिए, आधे बॉलीवुड से उठा लिए, आधे टॉलीवुड से उठा लिए। तो कम्प्लीटली आप ये बोल सकते हो कि मूवी का मिश्रण किया गया है। गुमराह आदित्य राय कपूर की अपकमिंग मूवी है और उसका ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। पहले बात करते हैं मूवी की, तो ये मूवी एक तरीके से मर्डर मिस्ट्री होने वाली है। ट्रेलर की बात करो, ट्रेलर की शुरुआत होती है, ट्रेलर की शुरुआत में वो पहली वाइब आती है कि ये मलंग की तरह इसमें हमें चीजें देखने को मिलेगी। आदित्य राय कपूर जो कि अपना तरफा लोड़े हुए हैं और मर्डर करने के पीछे लगे हुए हैं, मर्डर करते जा रहे हैं और लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कौन मर्डर कर रहा है। मर्डर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली किसकी एंट्री होगी, पुलिस की हो रही है और पुलिस यहाँ पर एंट्री कर चुकी। अब पुलिस में एंट्री करने वाली वो जिसने अपनी पिछली मूवी फ्लॉप करा कर आई है और वो भी बुरी तरीके से, उसका नाम है मृणाल ठाकुर। लेकिन बंदी का स्वैग अलग है, काम अलग है और लोग इसे अपने काम की वजह से जानते हैं। तो यहाँ पर भी ये मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए आ चुकी है और इसने मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना शुरू कर दिया और इसने कम्प्लीटली सुलझा भी दी और उसने क्रिमिनल को पकड़ भी लिया है। अब क्रिमिनल को उसने पकड़ लिया, दो चार छापे भी रख दिया, तो उसके बाद में दूसरा सस्पेंस आता है। जिस शक्ल के क्रिमिनल को उसने पकड़ा वैसी शक्ल का क्रिमिनल वहाँ पर भी पहले से ऑलरेडी बैठा है। अब ये चीज सुनने के बाद में सभी को शॉक लगा होगा कि अब क्या होगा। तो उन्हीं चीजों को लेकर ये मूवी आगे बढ़ेगी। ट्रेलर में वो चीज हमें देखने को मिली, उसके बाद में क्या क्या फाइटिंग सीन होगी, दोनों में से ढूंढना होगा कि कौन इसमें से क्रिमिनल है, कौन इसने इसे हत्या कर रहे हैं, किसका मर्डर किया जा रहा है, वो सारी चीजें ये मूवी बताने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर इन दोनों को भी पता चल चुका है, ये दोनों अब मजे ले रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि हम जब तक दोषी साबित नहीं हो सकते हमें सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा जो दोनों का जो कलर है, जो दोनों का हमारी जो शक्ल है वो सेम। तो ये तो बात होगी ट्रेलर की, बात कर लेते हैं मूवी की। तो मूवी की बात की तो मूवी के लिए पहला पॉइंट ये कि ऐसी मूवी सिनेमाघरों में रिलीज करने की जरूरत कहां पर है। ऐसी चीजों के लिए OTT प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर आप अपने मर्डर मिस्ट्री सुलझा सकते हो। अगले पॉइंट की बात की तो मूवी में आपको कुछ स्पेशल चीजें देखने को नहीं मिलेगी, वो एक मर्डर मिस्ट्री को लेकर ये मूवी आगे बढ़ेगी। आपको अलग अलग मूवीज से सीन उठाए हुए दिखेंगे कि ये मलंग से लिया गया, ये वहीं से लिया गया। उसके बाद में अगला पॉइंट ये आता है कि इसमें जो पुलिस देखने को मिली वो थोड़ी सी दमदार देखने को मिली है, मूवी को पुश मिल सकता है। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट ये कि किसी भी बड़ी मूवी को फ्लॉप कराने के लिए एकमात्र नाम की जरूरत होती है और वो नाम आदित्य राय कपूर। अब लोग इनसे इरिटेट हो चुके हैं या इनके एक ही एक्शन सीन को देखकर इरिटेट हो चुके हैं, वो लोगों को पता है। लेकिन जिस तरीके से ये आजकल काम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है।